लेकिन सबसे पहले आपको राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रदेश में करीब 24 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी हुई है। करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी, हुसैनगंज के छतरपुर में गोपाल राय के घर पर आईटी की ये रेड पड़ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। और प्रदेश के अंदर आपको बता दें, यूपी के अंदर 24 ठिकानों पर आईटी की ये छापेमारी चल रही है। करोड़ों के टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी हो रही है। के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ आईटी की टीम ने आज लगातार रेड की है। राजधानी लखनऊ के लालकुआ के छितवापुर में भी गोपाल राय का जो दफ्तर है यहां पर रेड की गई है। आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो टीम है वो यहां पर जो है यहां पर रेड किया था उसने। और खास बात यह है कि तमाम जगहों पर ये एक साथ रेड जो है वो की गई है। ये वो दफ्तर है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और तमाम जो फाइल्स हैं उनको आईटी की टीम ने यहाँ पर खंगाला है। आप देख सकते हैं तमाम जो ये फाइल्स हैं इनको जो है आईटी की टीम ने यहां पर खंगाला है। इसके साथ साथ तमाम अन्य जगहों पर भी, अन्य राज्यों में भी ये रेड जो है वो पूरी की गई है। आप देख सकते, तस्वीरें देख सकते हैं कि चूंकि ये छितवापुर का पूरा इलाका है और यहीं पर ही ये पूरी रेड जो है उसको अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में आपको हम बता दें कि देख सकते हैं आपकी तमाम जो दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और इन दस्तावेजों में तमाम तरह की जो जानकारियाँ हैं वो जुटाई जा रही है। छितवापुर में मौजूद इस दफ्तर में भी छापेमारी की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो दफ्तर है। इसके साथ साथ कई और भी दफ्तर इसी पूरे बिल्डिंग में जो है मौजूद हैं, अलग अलग जो सेंटर्स हैं, इसके साथ साथ अलग अलग जो संस्थाएं बनाई गई हैं उन सभी पर आज आईटी की रेड जो है वो की गई है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाई जो है वो जारी है। और अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस तरह से आईटी की टीम छापेमारी कर रही है उससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि लगातार जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों बनाकर जो चंदे का फर्जीवाड़ा करने वाले तमाम जो लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए आईटी की टीम गुपचुप तरीके से छापेमारी करती हुई नजर आई है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया लखनऊ। तो आपको बता दें कि लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है। प्रदेश में करीब 24 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी है। लखनऊ से और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी और जुड़ गए। विशाल, अभी आईटी की रेड क्या चल रही है लखनऊ के अंदर, या यहां से आईटी की टीम रवाना होगी, और क्या कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं और किन संस्थानों पर यह आईटी की रेड पड़ी है? देखिए, फिलहाल अभी आईटी की टीम जो है वो लगातार अंदर है और छापेमारी चल रही है। आपको दिखा दें कि अभी हमने आपको अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, अब आप ऊपर तस्वीरें, क्योंकि जो चौथा फ्लोर है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का मिला के बात करें हम, तो ये जो चौथा फ्लोर है वहाँ पर आईटी की टीम मौजूद है और वहीं पर ही ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। अभी हालांकि अभी हम अंदर चले गए थे और अंदर में हमने उस रूम को दिखाया जहाँ पर आईटी की टीम ने जो है तमाम दस्तावेज खंगाले हैं, इसके साथ कंप्यूटर खंगाले हैं, और उसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर इस वक्त जो टीम है वो मौजूद है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि फिलहाल गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और अंदर ऊपर की तरफ जो है टीम यहाँ पे मौजूद है। गोपाल राय की अगर हम बात करें तो गोपाल राय समाजवादी क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हुसैनगंज के ये छितवापुर इलाका है और यहाँ पर काफ़ी समय से वो अपना ये दफ्तर जो है चलाते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ पर उनका जो है पूरा जो लगातार चल रहा है। और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि आखिरकार गोपाल राय कौन है, और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, ये गोपाल राय है। इनके यहाँ छापामारी शुरू हुई है और चूंकि लगातार जो है इनकी जो पार्टी है उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे कि तमाम जो ऐसे पार्टी बनाई गई थी जो सिर्फ चंदे के लिए बनाई गई थी, फर्जीवाड़ा किया गया था, तो उसी के आधार पर ये जो है ये छापेमारी की गई है। ये गोपाल राय का दफ्तर भी है और फोर्थ चार फ्लोर का ये पूरा दफ्तर है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो लोग अंदर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। बताइए, आप अंदर थे, कितने लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आए थे? 5 से 6 लोग थे करीबन। क्या बोला आप लोगों से? हम लोग से मना कर दिया कि आप लोग बंद कर दीजिए ऑफिस को, यहाँ से कोई कार्रवाई चल रही है तो आप लोग अंदर नहीं रह सकते और ना बाहर जा सकते हो। तो आपसे क्या बोला कि क्या करने आए हैं, कौन है, कुछ बताया आप लोग? ये सब कुछ नहीं, ये सब कोई बात नहीं है हमारी इनसे। अच्छा, गोपाल राय का यहाँ पे कौन सा दफ्तर है, क्या यहाँ से चलता है? यही दफ्तर है, ये वो अपना जो भी काम करते हो इससे हम लोग को पूरी तरीके जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा नीचे अपना ऑफिस अलग है। कितने लोग थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, कितने लोग होंगे? 4 से 5 लोग तो दिख रहे हैं नीचे जो आए थे अभी फिलहाल। तो अभी आप लोग का भी सब पूरा दफ्तर बंद करा दिया? हाँ, बंद कर दिया, हम जा रहे हैं अपने दूसरे ऑफिस में। देखिए, ये आपको बता दें कि इनका दफ्तर यही है और फिलहाल ये दफ्तर जो है बंद कर दिया गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप
देख सकते हैं तस्वीरें कि इस वक्त जो है तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। चूंकि देखिए आपको बता दें कि अलग अलग एनजीओ भी जो है गोपाल राय चलाते थे। खास बात यह है कि इनकी एक बड़ी खासियत है कि यहाँ पर छापेमारी चल रही है। तो क्या गोपाल राय अभी दफ्तर में मौजूद है या सिर्फ इनकम टैक्स विभाग की टीम यहाँ पर नजर आ रही है? नहीं देखिए, गोपाल राय दफ्तर में नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल इनकम टैक्स की जो टीम है वही है। यहाँ पर सिर्फ केवल दफ्तर बनाया हुआ गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर कई दफ्तर जो हैं वो संस्था के नाम पर बनाए गए हैं, अलग अलग दफ्तर हैं। उन सभी दफ्तरों में वो जो है एक एक करके आईटी की जो टीम है वो खंगालेगी। फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा दें कि आप देख सकते हैं कि दरवाजा जो है लॉक कर दिया गया है, पुलिसकर्मी अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे। अपने कैमरा पर सहयोगी दिवाकर चाहेंगे तस्वीर अंदर की दिखाएं और आप देख सकते हैं कि सिर्फ पुलिसकर्मी ही आपको अंदर दिखाई देंगे, आप किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। खास बात यह है कि जब हम ऊपर पहुंचे थे तो आईटी की टीम ऊपर मौजूद थी और जब हमने उनसे पूछा कि आईटी की रेड है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम कोई जानकारी नहीं देंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है वो अनुसार यही है कि उत्तर प्रदेश के करीब कई जगहों पर, इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में ये पूरी छापेमारी एक साथ की जा रही है। दिल्ली की आईटी की टीम है और फिलहाल छापेमारी चल रही है आईटी की, और आईटी की लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी गोपाल राय के घर पर दफ्तरों पर छापेमारी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी हम आपसे अपडेट रहेंगे। हमारे संवाददाता विशाल हमें अपडेट दे रहे थे किस तरह आईटी की छापेमारी लखनऊ में चल रही है।